हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, और इसके आगे जो और आएंगे वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, और 3.2, 3.1 उनके इंट्रोडक्शन और उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनको पूरा एक्सप्लेन करके आपके वीडियो अपलोड किए गए हैं। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले उन दोनों वीडियो यानी जितने भी वीडियो 3.1 एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज, 3.3 का इंट्रोडक्शन, उन वीडियो को देख के फिर इस एक्सरसाइज पर आप आइए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड साइन 10 15 डिग्री। अब देखो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप नहीं जानते हो, किसकी जानते हो? साइन 0 की जानते हो, साइन 30 की जानते हो, साइन 45 की जानते हो, और साइन 60 की जानते हो, साइन 90 की जानते हो। तो इस 75 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लो आप कि जिनकी वैल्यू मैं निकाल पाऊँ। तो देखो, 30 और 45 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका मान निकालिए यानी मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट आपका, उस साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, यहाँ पे कौन सा बताया हुआ है, कल ही आपके इंट्रोडक्शन में अपलोड किया हुआ है, क्या साइन एक्स प्लस वाई, क्या फॉर्मूला है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और यहाँ पे इस वाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। तो साइन 40 डिग्री, 45 डिग्री इंटू में कौन है, कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 में रूट 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप इसको सोल्व कर दीजिए, कितना, रूट 3/√2 प्लस 1/, इन दोनों का मल्टीपल 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2√2। क्लियर बात। अब देखो एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है इसका वो देखिए, एलसीएम इन दोनों का सेम है तो एलसीएम ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना, 3+1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो कभी भी रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, इसका रेशनलाइजेशन यानी क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेयकरण। तो देखो, इसी वैल्यू से ऊपर रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दूँ, अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, रूट 6 प्लस इसकी वैल्यू रूट 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर आप है ना इतना भी लिख सकते हो, चल जाएगा काम, है ना। यहाँ पे तो रूट 2 रूट 3 प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे इस रूट 2 और इस रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 2, और 2 इंटू 2 कितना, 4, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, 1050, और 1050 की वैल्यू आप नहीं जानते हो, लेकिन 30 और 45 60 इनकी वैल्यू जानते हो। तो इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ, किसमें, 1040 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अब देखो, इन दोनों को माइनस करके देखो 15 ही आ जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू आप जानते हो। अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा। देखो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 10x + y इक्वल टू क्या होता है, 10x + 10y माइनस का अपॉन 1 माइनस
टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और इसमें मैंने ये भी बताया था यदि यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में मैं यदि अप्लाई कर दूँ इसी चीज़ को, तो देखो ये साइन एक्स की वैल्यू, तो पहला क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स यानी टेन 45 डिग्री माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइन इंटू में टेन 30 डिग्री, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इससे आगे आप यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ से एलसीएम आ रहा है, इसके अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया रूट 3, यहाँ पे कितना रूट 3 माइनस 1, नीचे एलसीएम कितना आ गया रूट 3, तो देखो कितना आ रहा है रूट 3, नीचे एलसीएम आएगा तो यहाँ पे रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। देखो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी पूरी, और ये प्लस 1 है तो इसका एलसीएम लेके अपन इसको सोल्व करेंगे। अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो या फिर डायरेक्ट आप कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये 10 15 डिग्री की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो पीछे बुक में वो आंसर ये नहीं दिया हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है रूट है, और रूट यहाँ से हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण, तो इसका जो अपोजिट साइन, देखो यहाँ पे तो रूट ही था ओनली, लेकिन यहाँ पे रूट 3 प्लस समथिंग था, तो अपन क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट फॉर्म लेंगे, कॉन्जुगेट फॉर्म का मतलब ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस होता तो प्लस लेते हैं, ऐसे इसका उल्टा साइन लेके उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना लिखें रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो ये सेम है और ये सेम है, जब सेम क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या हो जाता है रूट, रूट नहीं स्क्वायर हो जाता है। और ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो इस ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ओपन कर दो पूरा, इसको मैं ओपन करूँ तो इसका स्क्वायर अब लगाएंगे कौन सा ए माइनस है ना, तो माइनस वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं जो आपके 12th तक काम आएंगे वो सारे अपलोड किए गए हैं, उन फॉर्मूले को आप पूरा एक बार रिवाइज करना, ठीक है। वीडियो अपलोड किया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए रूट 3 माइनस 1 इसमें अप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर माइनस का 2 इंटू रूट 3 अपॉन में इसका स्क्वायर 3 माइनस 1, अब ये कितना आ जाएगा आपका देखो ये तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, कैंसिल आउट हो रहा है तो ऊपर से कॉमन निकाल दो या फिर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे, वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, प्रूफ द फॉलोइंग, यानी इनको क्या करना है आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है क्या कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स कोस पाई बाई 4
माइनस वाई, फिर माइनस का साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसा कहीं पे फॉर्मूला आया होगा, वो फॉर्मूला देखो माइंड में आएगा आपके। ठीक है, देखो फॉर्मूले जब तक नहीं आएंगे तब तक ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी नहीं आएगी और फॉर्मूले नहीं आएगी तो ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स भी आपको नहीं आएगी। तो पहले फॉर्मूले को जितना आप रिवाइज कर सको, क्योंकि आपका एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसको आप देखिए और इसके हर इंट्रोडक्शन में हर फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है अपना, वो क्या है कि कोस एक्स ले लो या फिर ए प्लस ले लो, ए प्लस बी इक्वल टू, फॉर्मूला आता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये पूरी किसकी वैल्यू है, ए की, और ये किसकी है, बी की, ये ए सेम है देखो और ये बी, तो इसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, ये तो फॉर्मूला अप्लाई है, तो ए की वैल्यू एक, ए कितना है पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आपका ए है। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस, फिर वाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर माइनस वाई, ये आ जाएगी पूरी वैल्यू। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ कि कोस पाई बाई फोर और पाई बाई फोर एन 45 पर 45 कितना 90, 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं पाई बाई टू, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालिए तो ये तो एक्स और यहाँ से माइनस कॉमन तो प्लस और ये वाई। अब अभी अभी अपन 3.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोस 90 ले लो या फिर पाई ले लेता हूँ मैं, पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, देखो ये थीटा है तब थीटा है लेकिन यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई है, तो कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो यही है क्या वहाँ पे, यही है ना, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड को, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है यानी क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले में अपन यानी इस क्वेश्चन के अंदर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे 10 एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, क्या होता है कि 10 एक्स प्लस 10 वाई अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपना। अब यदि इसी फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे मान लो माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, ये इतना चेंजेबल इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अब अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, आप इसमें अप्लाई करूँ मैं तो पहले ऊपर वाले में अप्लाई कर देता हूँ, कितना 10 ए यानी 10 पाई बाई फोर एक्स, ठीक है 10 वाई यानी इसकी वाई की वैल्यू कितनी है 10 एक्स अपॉन में, इसकी वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा 1 नीचे कितना आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू, तो 1 माइनस 10 पाई बाई फोर इंटू में 10 एक्स, ये तो नीचे वाली चीज़ का आ गया। ठीक है, अब अपन करते हैं इस वाले चीज़, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो देखो 10 पाई बाई फोर पाई बाई फोर, अब यहाँ पे आपका क्या है माइनस है तब ये माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 एक्स इंटू 10 पाई बाई फोर कर दो 10 पाई बाई फोर इंटू 10 एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद में इसी को लिख सकता हूँ कि 10 पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी 1 प्लस ये कितना 10 एक्स, नीचे में कितना 1 माइनस 1 इंटू 10 एक्स, फिर नीचे कितना जाएगा 1 माइनस 10 एक्स अपॉन में 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1 तो 1 इंटू 10
एक्स, ऊपर फंक्शन है नीचे फंक्शन है, नीचे वाली उल्टा होकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ वो देखिए, वन प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स, ये चीज़ हो गई। इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना, वन प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा। तो देखो सेम वैल्यू है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कितना, देखिए कि वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैं ये जानता हूँ कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, पावर सेम होती है तो उन दोनों वैल्यू के ऊपर सेम पावर लग जाती है। तो यहाँ पे पावर सेम है तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, इस पूरे पे क्या लग जाएगी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है कोस पाई, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ सबसे पहले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है वो देखिए, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई टू माइन प्लस का एक्स। देखो क्वाड्रेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के क्या होते हैं नेगेटिव, यानी ए एस टी सी, इसमें टेन एक्स इंटू इसका उल्टा कौन होगा कोटेक्स, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव। इसकी मैं बात करूँ तो कोस एक्स और सेक एक्स दोनों पॉजिटिव, बाकी के क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखिए कोस पाई प्लस एक्स है, तो पहले तो इसका क्वाड्रेंट चेक करो, तो पाई प्लस, तो ये पाई, ये पाई बाय टू, ये जीरो, और ये आपका थ्री पाई बाय टू, वापिस रिटर्न आ जाएगा तो पाई टू पाई, तो पाई प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में चला गया। इस क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले तो साइन देखो, इस कोस का साइन क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस को तो लिखो या मत लिखो, ठीक है। फिर बात करो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, कि कोस साइन में कन्वर्ट होगा, तो पाई है तो इस लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू होती है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोस किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा। अब देखो साइन नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, नेगेटिव एक्स, ठीक है। फिर यहाँ मैं बात करूँ तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, क्या होगा इसमें कोस इस क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा कोस थीटा, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स अपॉन में, अब ये पाई माइनस एक्स है तो इस क्वाड्रेंट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और साइन किसका पॉजिटिव, और इसकी मैं बात करूँ तो पाई बाई टू, देखो कोस है तो कोस इस क्वाड्रेंट में किसका होगा नेगेटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेगेटिव, पाई बाई टू है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो ये एक्स लीजिए, ये माइनस कोस इंटू कोस कितना कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन इंटू साइन कितना साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट एक्स, और इन पे क्या है स्क्वायर है, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो 9 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखो कोस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई में है कोट 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स
इक्वल टू में वन, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इसकी, नाइन्थ क्वेश्चन की ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए कोस थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू ये रहा इस लाइन पे, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। उसके बाद में देखो पाई थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स है, इस क्वाड्रेंट में चला गया, इस क्वाड्रेंट में आते ही कोस किसका होता है कोस किसका होता है पॉजिटिव, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये एक्स। उसके बाद में इसकी बात करूँ कोस टू पाई प्लस, इस क्वाड्रेंट में चला गया तो ये किसका हो जाएगा आपका कोस, तो कोस में रहेगा तो कोस एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई इसकी मैं बात करूँ तो कोट थ्री पाई बाई टू माइनस, इसकी बात चल रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, तो टेन कोट किस में चेंज, टेन के अंदर, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स है इस क्वाड्रेंट में टेन, यानी जो ये कोट है वो किसका होता है पॉजिटिव होता है, तो टेन के आगे क्या आ जाएगा पॉजिटिव और एक्स का एक्स, प्लस कोट थ्री पाई बाई इस क्वाड्रेंट में चला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है पॉजिटिव होता है, तो ये लीजिए इतना मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये तो सेम है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो सेम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, इससे डिवाइड करूँगा तो एक साइन बच जाएगा, और जो साइन बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, क्योंकि आइडेंटिटी जानते हैं अपन, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन्थ। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ के अंदर है साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, ये पूरी वैल्यू है आपके पास में, ठीक है ना, ये पूरी है, ये वाई है, ये वापिस एक्स आ गया और ये आपका वाई आ गया, ठीक है। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ सबसे पहले, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन एन प्लस वन इंटू एक्स साइन एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कोस एन प्लस वन इंटू एक्स और इंटू कोस एन प्लस टू इंटू एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये जानता हूँ कि साइन क्या एक्स प्लस, देखो ये दोनों सेम है ना, तो आप ये मत लगाओ भाई, कौन सा लगेगा यहाँ पे, यहाँ से कोस माइनस है तो एक्स, या फिर ए प्लस में ले लो, ए माइनस में ले लेता हूँ मैं, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस की वैल्यू इसको थोड़ा सा यहाँ पे पास में लिख देता हूँ साइन ए इंटू साइन बी, तो यही तो है, देखो ये पूरा साइन ए, ये साइन बी, ये कोस ए और ये कोस बी, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस ए की वैल्यू कितनी है एन प्लस वन इंटू में एक्स फिर माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा बी है आपका, बी कितना है एन प्लस टू इंटू में एक्स, इसी को मैं लिख सकता हूँ ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स और ये माइनस माइनस टू एक्स, ये आ जाएगा इस एन एक्स से, ये एन एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से कोस एक्स माइनस टू कितना माइनस का एक्स। अब अपन ये जानते हैं कि कोस ऑफ माइनस थीटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है प्लस का कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स, ये क्या आपकी राइट हैंड साइड देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस थ्री पाई बाई टू
प्लस फोर पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस का कोस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, इसको मैं सी ले लेता हूँ और इसको मैं डी ले लेता हूँ। क्या फॉर्मूला मिला आपको? कोस सी माइनस का कोस डी, या फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्स और वाई को लेके बात वही आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो माइनस तो पहले टू साइन ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू, तो c तो कितना है 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस का x इंटू में साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस x माइनस, देखो माइनस है ना c माइनस d, तो d की वैल्यू कितनी है 3π/4 माइनस एक्स। यहाँ से माइनस तो माइनस रहेगा 2 इंटू साइन, इसको देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू दोनों किस में हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी, और ये दोनों ऐड होगी तो कितना आ जाएगा आपका? 8 तो एलसीएम और 6, ठीक है ना, ये 6 आपका ये हो जाएगा आपका 3π/2, कितना हो जाएगा 3π/2, ये आपका एलसीएम इसकी वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। तो ये आएगा, डबल है, ठीक है ना, डबल होगा तो एलसीएम 4 ये 6 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा। और फिर आगे जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है देखो, 3π/4 प्लस में एक्स और इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस 3π/4 प्लस का एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी वैल्यू से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखें, इसको ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 2x, कितना आ जाएगा आपका 2x, लेकिन आपका आ रहा है इतना, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको माइनस का 2 साइन 3π/2 इंटू साइन 2x, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस तो आ ही रहा है, इसमें c प्लस डी कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, फॉर्मूला तो सही है अपना, ये माइनस है साइन c, देखो बाई टू नहीं लगाया ना अपन ने, ठीक है ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे अपन, दोबारा देख लीजिए। देखो 3x/4 प्लस एक्स अपॉन में 2, अपॉन में 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये तो c प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए साइन 3π/4 प्लस एक्स, ये माइनस डी है, डी की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी 3π/4 प्लस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी को मैं आगे लिखूँ तो माइनस का 2 साइन, देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट और ये डबल होगा तो 3π/2 अपॉन 2 है तो अपॉन 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3π/4। फिर आगे कितना है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, यानी 2x प्लस एक्स कितना 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन x। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये नहीं है अपना, ठीक है। अब देखिए ये तो माइनस 2,
इस साइन 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ये लिख सकता हूँ। एलसीएम लेके आप कीजिए वो आ जाएगा। उसके बाद में ये सेम है, अब साइन पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन साइन में ही रहेगा क्योंकि पाई है ऑन एक्सिस एक्स एक्सिस पे। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू में साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 इंटू रूट 2, और अपॉन में 2 तो एक रूट कैंसिल आउट होगा, तो कितना रिमेनिंग वैल्यू, माइनस ऑफ 2 रूट इंटू में साइन एक्स, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।